महाराष्ट्र की नागपुर की आप तमाम जनता को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधे मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। मैं अपनी बात करूं उससे पहले, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, देश की एक बेटी को उत्तर प्रदेश में जिस नर्मम तरीके से मारा गया है, ये वक्त उसकी याद में एक मिनट शांत रहने का नहीं है। अपनी मुट्ठी को तानिए और इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, हुंकार भरिए, ये वो वक्त है। उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मैं एक बात आपसे साझा करना चाहता हूं। कल रात मेरी एक दोस्त ने हमको एक मैसेज किया और कहा, इस देश में बेटियों की जो हालत है और जिस तरीके से गाय माता के नाम पर राजनीति हो रही है, ये मत समझिए कि गाय माता की इज्जत हो रही है। गाय माता के नाम पर जो राजनीति हो रही है, कुर्सी का जो धंधा हो रहा है, मुझे तो यही लगता है कि टीवी पे जो सीरियल आता था, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, उसको बदल करके ये कहना चाहिए कि अगली जन्म मोहे गैया ही कीजो। ये मनुष्य होने का क्या मतलब है? मनुष्य होने का मतलब ये है कि आप सोच सकते हैं, आपके पास दिमाग है, आप प्रश्न कर सकते हैं। और ये जो सोचने का और प्रश्न करने का आपका गुण है, यही आपको जानवरों से अलग करता है और आपको प्रकृति का एक विशिष्ट प्राणी बनाता है। प्रकृति के इस विशिष्ट प्राणी होने के चलते मैं बस कहता हूं, जितना इस्तेमाल आप अपने व्हाट्सएप का करते हैं, उतना ही इस्तेमाल अपने माइंड के ऐप का भी कर लीजिए, तो इस देश का भला हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो आप मुंह फेर लेते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत बेकार चीज है, क्या मतलब है हमको राजनीति से, इससे हमारे जीवन का कुछ हल होने वाला नहीं है। बहुत हद तक आप ठीक कहते हैं और आपका मानना भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही 1947 से पहले अशफाकुल्ला खान ने सोचा होता, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने सोचा होता, राम प्रसाद बिस्मिल, कल्पना दत्त, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये तमाम लोगों ने सोचा होता, तो आज इस स्टेडियम में सभी जाति और सभी धर्म के लोग आसपास नहीं बैठे होते और इस स्टेडियम के बाहर एक बोर्ड लगा होता, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, और यहां पे कुछ अंग्रेज जो है वो टेनिस खेल रहे होते और उनकी मैडम वाह वाह कर रही होती। व्हाट अ नाइस शॉट। ये आजादी कोई भीख नहीं है, ये कोई खैरात भी नहीं है और ये कोई गिफ्ट भी नहीं है। आजादी संघर्षों से हासिल हुई है, इतना बात तो आप समझते हैं ना। ऐसा प्रचार क्यों आता है? बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन इज सीक्रेट ऑफ माई इक्वलिटी। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं आता है। हम सड़क पे चल रहे होते हैं और हमको कचरा नहीं दिखाई देता है तो हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि इसको साफ करने वाली एक जाति है इस देश में। यह पेशा नहीं है, एक जाति है जिसको इस देश में, इस देश के संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है, लेकिन 21वीं सदी में भी उसको बराबर का अधिकार नहीं मिला है।
अपने इर्द गिर्द जो चीजें हो रही है उस पर आप सोचिए और मान लीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि मोदी जी की बात को आप मत मानिए, क्या अद्भुत आदमी है। देखिए आप लोग हंस दिए। आजकल हमको अगर किसी को भी हंसाना हो तो हम कह देते हैं मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। अगर जोर से नहीं हंसा तो हम कह देते हैं कि मोदी जी सबसे सच्चा आदमी है। यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का हो गया है। मोदी जी कभी सच नहीं बोल सकते हैं, ये यूनिवर्सल जैसा होता है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ। मोदी जी के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिवर्सल लाइ। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, और जैसा भी आप सोच लीजिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी कहते हैं कि हमको विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। बताइए 56 इंच का सीना, 282 सीट, जिधर देखिए उधर ही भाजपा की सरकार, मतलब जिधर नजर उठाइएगा उधर भाजपा की सरकार है, तब भी विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है, इस पे आपको विश्वास होता है? यह है प्रोपेगेंडा। स्वाभाविक रूप से इस मंच पे जो लोग बैठे हुए हैं वो कहेंगे कि मोदी जी बढ़िया आदमी नहीं है, क्योंकि ये उनके विरोधी हैं। आप तो जनता है ना, आप जनता है ना, मत मानिए इनकी बात, इनकी अपनी राजनीति है, छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। वैसे भी आजकल जानते हैं पॉलिटिकल होना कूल बात नहीं है। माय व्यूज आर ए पॉलिटिकल माय डियर, इफ योर व्यूज आर ए पॉलिटिकल देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि आपको बीटेक करने के बाद नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। ये तो आपको सोचना पड़ेगा। और सामने से आदमी जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हैं वो सामने से झूठ बोल रहा है और आपको कह रहा है कि पकौड़ा बेचना रोजगार है। आप लिखिए माय व्यूज आर नॉट पॉलिटिकल ए पॉलिटिकल, ये सवाल समझ में नहीं आएगा। इनको एक मिनट के लिए छोड़िए, आप अपने दिल पे हाथ रख करके हमको बताइए कि आपका अच्छा दिन आ गया, तब आप कैसे कहते हैं मोदी जी बढ़िया आदमी है। और जब हम मोदी जी पे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। हम बोले हम इतना निकम्मा है कि एक निकम्मा प्रधानमंत्री का विरोध करने का अपने आप अपना काम समझे हम। ये हमारा काम नहीं है और ना मैं ये काम कर रहा हूं। जिस उत्तर प्रदेश का हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट, यही है ना, और कहते क्या है अपने आप को, तो जो अपना नाम बदल लिया हो उसको शहर का नाम बदलने में मजा आएगा कि नहीं आएगा। बहुत स्वाभाविक बात है, जिसको अपने ही नाम पे भरोसा नहीं है उसको फिरोजाबाद फैजाबाद उस पर क्या भरोसा रहेगा। नया शहर नहीं बनाना है, जनसंख्या बढ़ गई। आपको पता है दिल्ली में नई चीज क्या हुई है, दिल्ली में हवा भी बोतल में आने लगा है। और ये भी सच है, हर घर में जो है धीरे धीरे लोग एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, हवा भी बिक रहा है। और ये सब कुछ हो जाएगा और आपकी संसद नहीं बिकेगी और आपका लोकतंत्र नहीं बिकेगा, किस मुगालते में है आप। जिस दिन उन्होंने जात के नाम पे आपकी वोट खरीदी थी उस दिन ही उन्होंने संविधान और लोकतंत्र का सौदा कर लिया था। और आज मैं आपको एक सच बताता हूं, संविधान आपको अधिकार देता है ना कि इस देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। संविधान आपको यह अधिकार देता है ना कि अंबानी के बेटा का वोट और एक जीता जूता सिलने वाले इंसान के बेटे का वोट बराबर होगा। यह संविधान आपको हक देता है कि नहीं देता है? क्या
एक जूता सिलने वाला का बेटा चुनाव लड़ सकता है? बाढ़ पार्षदी का चुनाव लड़ करके दिखा दीजिए हमको। नॉमिनेशन फॉर्म लेने जाइएगा ना, यही लोकतंत्र के रक्षक सब आपका पैर तोड़ देंगे। यह है लोकतंत्र की स्थिति, और फिर भी कहते हैं कि हमारा देश और संविधान खतरे में नहीं है। 500 रुपए लेकर के किसी को वोट करके हम अपनी जिम्मेदारी से भूल जाते हैं, और वो 500 रुपए दे करके आपका हजारों करोड़ रुपए अपने दोस्त को देकर के देश से भगा देता है। इस संबंध को समझिए। अभी भी कुछ लोग जनधन योजना में जाकर के खाता में चेक करते हैं 15 लाख आया कि नहीं आया। हे भाई साहब, अरे आपके नल में पानी नहीं आता है, आपके अच्छे दिन कहां से आएंगे? आपके पड़ोस में साफ सफाई नहीं होती है, आपके खाते में 15 लाख रुपए कहां से आएंगे? और ये जो राजनीति का गेम सेट किया गया है, उसमें हम लोग मूक दर्शक बन करके इसको देख रहे हैं। याद रखिएगा, यही गलती किसी जमाने में हमारे देश के नागरिकों ने की थी। जब राजे राजवारे आपस में लड़ रहे थे तो उनको लगा कि ये राजे राजवारों की लड़ाई है, इसमें जनता का क्या लेना देना है। आज भी हमारे कुछ मित्रों को लगता है कि ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, ये राइट और लेफ्ट की लड़ाई है, हमको इसमें क्या लेना देना है। याद रखिएगा, ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये मोदी वर्सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया की लड़ाई है। इस बात को आप समझ लीजिए। और ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, उनके जो सवालात हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है, और कौन सा नेक्सस, कौन सा गठजोड़ इस देश के लोकतंत्र को गिरवी रख करके इस देश की संविधान को जला देना चाहता है, मिटा देना चाहता है, इस साजिश को आपको समझना पड़ेगा। नीरव मोदी पैसा लगाए नरेंद्र मोदी पे, नरेंद्र मोदी कहे कि चल उड़ जा पंछी, जीत करके आए, फोटो खिंचाए और गायब। कितना रुपया लेकर के गए? 35,000 करोड़। और आपको पता है, हमारे आपके जैसा एक फेलो इंडियन सिटीजन, इस हवा में सिर्फ ब्राह्मण का सांस नहीं घुला हुआ है, दलितों का भी हवा है, उसका भी सांस घुला हुआ है। सांस लेते वक्त बोलते हैं कि ब्राह्मण सांस लेकर के छोड़ा है तो हम नहीं लेंगे, दलित सांस लेकर के छोड़ा है तो हम नहीं लेंगे। और प्रदूषण जब फैलेगी तो एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं ना, है? तो सब खरीद रहे हैं ना। ऐसा कह रहा है कि दलित का फेफड़ा खराब कर देंगे और ब्राह्मण का फेफड़ा खराब नहीं करेंगे। यह है बेसिक इश्यूज, और इस बेसिक इश्यूज पे इस देश का यूथ चर्चा करे, इस पे बात हो, देश के भीतर एक कैसे बेहतरीन ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, उस बहस को भटका देने की साजिश चल रही है। और ये गठजोड़ ये है कि पैसा खर्च करेंगे नीरव मोदी के ऊपर सरकार, और सरकार पैसा लेंगे किससे? आपसे। ये मत समझिए कि कोई नेता अपने बाबूजी के घर से किसी पूंजीपति का कर्जा माफ करता है या उसको पैसा देता है, आपका पैसा है। और ये उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। कौन बनेगा करोड़पति में जब आप SMS करते हैं तो 3 रुपया कटता है? कटता है कि नहीं कटता है? सही हिसाब है, मेरा हिसाब ठीक है? तो 1 करोड़ आदमी अगर SMS किया हो तो कितना रुपया हुआ? 3 करोड़। तो 3 करोड़ में से 1 करोड़ दे देंगे किसी को तो क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस समझ में नहीं आता है? यह है बिजनेस दोस्त। इस देश में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने जनधन खाते खुलवाए, बहुत बढ़िया, बजाओ ताली। खाते जब खुलवाए तो 500-500 रुपया आपसे डलवाए। देश का पॉपुलेशन, प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते हैं, क्या कहते हैं? 125 करोड़। अरे 125 करोड़ में से 50 करोड़ भी यदि खाता खुला तो 50 करोड़ गुना 500 रुपया कितना हुआ? जोड़ते रहिए, सुनना डालते रहिए। और NPA किसका माफ किया गया? किसका कर्जा माफ किया गया? किसान का। किसका माफ किया गया?
अंबानी जी का कितना कर्जा माफ हुआ है सोच के बताइए। उसका फिगर आपको पता है, आपको घर में जितना कमरा होगा सब में भी रखिएगा तब भी जो है बाहर रह जाएगा। 3,16,500 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया गया है। और 3 लाख रुपया मोदी जी किससे मांग रहे हैं? आरबीआई से। और नहीं दिया तो पटेल जी को क्या बोले? ओके टाटा बाय बाय सायोनारा। 3 लाख करोड़। और 3 लाख करोड़ का एक और रहस्य तिलिस्म है, उसको भी समझ लीजिए। जब नोटबंदी की गई तब प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, बेहतरीन झूठ बोलते हैं, लेकिन सामने से देखिएगा ना आपका दिल कहेगा कि कुछ भी हो इस बंदे को तो झूठ बोलने के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। माइक पे खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया काला धन वापस आया है। तो 3 लाख करोड़ अगर काला धन वापस आया है, लॉजिक लगाइएगा, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपना तर्क इस्तेमाल कीजिएगा, तो मेट्रो बनाने के लिए 1 लाख करोड़ जापान से कर्जा लेने की जरूरत है? सोचिए ना सर, सोचिए, समझ में आ जाएगा। अरे कोई जन्मजात मोदी विरोधी थोड़ी हम पैदा हुए थे, उनका विरोध करने में मजा थोड़ी आता है। इट्स बैड जॉब, इट्स नॉट ए गुड जॉब। क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि बाप दादे ने जो पेड़ लगाए थे उसका मजा हमने लिया। इस देश में यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो इस देश में पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं होता, और पब्लिक एजुकेशन के भीतर एक ही बेंच पे ब्राह्मण और दलित का बच्चा एक साथ बैठ करके पढ़ाई नहीं कर रहा होता। यह है संविधान की ताकत। यह संविधान किसी एक जाति किसी एक धर्म के लिए नहीं है, यह संविधान इस देश के लिए है, और देश देश के लोगों से बनता है तो लोगों के हक और अधिकार के लिए है, न्याय और बराबरी के लिए है। ये जो संविधान की ताकत है उससे जो हमने पढ़ाई की है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसकी रक्षा करें। उसी प्रोसेस में आप ये देखिए, 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा ये ले लिए हैं, नारा क्या लगा रहे हैं? मेड इन इंडिया। वाह गुरु जी, कहते हैं मेड इन इंडिया, नागपुर में मेट्रो बन रहा है, कंपनी का नाम पढ़े हैं? कहाँ की कंपनी है? चाइना की है। आप सब लोग देशद्रोही हैं। कहाँ की कंपनी है? अभी आप सब लोग भी चाइना बोल रहे हैं। आप जी न्यूज क्यों नहीं देखते हैं? आप लोग जी न्यूज देखा कीजिए। यह है मेक इन इंडिया। क्या इस देश के किसी कंपनी के पास इतना स्किल नहीं था क्या? क्योंकि एक नारा है ना, स्किल इंडिया। तो क्या इस इंडिया में इतना स्किल नहीं था कि नागपुर का मेट्रो वो बना सके? नहीं था इनके हिसाब से, क्योंकि ये स्किल इंडिया, स्किल इंडिया नहीं है, इसका एस साइलेंट है, यह है एक्चुअली किल इंडिया। और नोटबंदी से इस देश के छोटे छोटे जो उद्योग धंधा करने वाले लोग थे, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उनके उद्योग धंधों को तबाह कर दिया गया। और पैसा आपसे लेकर के पूंजीपतियों को दे दिया गया। और जब आरबीआई ने कहा कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते भाई, सितार के तार को इतना ही खींचिए जितना में सुर भी निकले, ऐसा ना हो कि टूट जाए, उर्जित पटेल कहा ओके बाय बाय। ये है इस देश के इंस्टीट्यूशन की हालत। एक एक इंस्टीट्यूट को आप उठा करके देख लीजिए, आप चुनाव आयोग को देख लीजिए, आप सीबीआई को देख लीजिए, आप आरबीआई को देख लीजिए। और भावनात्मक बातें, जैसे गांधी जी का चश्मा स्वच्छ भारत के पोस्टर पे लगा दिया, ऐसा लगता है कि गांधी से कोई उसका चश्मा छीन करके सावर करके सर पे लगा दिया। मैं कैसे महसूस करते होंगे, आप कल्पना कीजिए, थोड़ी थोड़ा जो अपना इमेजिनेशन पावर है उसको देखिए, कि सामने में एक बैनर हो जिस पे एक तरफ गांधी हो और दूसरे तरफ मोदी हो, तो गांधी जी को कैसा महसूस कर लगता होगा, अरे यार कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो राष्ट्रपिता नहीं होते। मैंने जो लोग मारा, मार करके मिठाई बांटी और उस हत्या को वध बताया, वध,
अगर मैं गलत बोल रहा हूं मुझे बताइए। गांधी हत्या को ये लोग गांधी वध बोलते हैं। वही लोग सत्ता में आकर के कितना बेहतरीन एक्टिंग करते हैं मोदी जी, समझिए, जब वो गांधी पे फूल डाल रहे होते हैं, कितना बेहतरीन एक्टिंग है, कितना बेहतरीन एक्टिंग है जब वो बाबा साहब अंबेडकर के फोटो पे माला चढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि उनका सोच क्या है, सोच है उनका कि गटर में उतरने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। गजब का प्रधानमंत्री हो यार। तो उनका एक वीडियो आया था, योगा कर रहे थे, मन किया कि पूछ लें कि गटर में कब उतरिएगा आध्यात्मिक सुख के लिए। कर्मयोगी नाम का एक पुस्तक लिखी जिसमें बोले कि गटर में उतरने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। और उससे भी ज्यादा हमारे यहां बिहार में एक शब्द कहते हैं ढीठ। ढीठ ढीठ कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी कहिए, दोनों कान का इस्तेमाल करेंगे, एक से सुनेंगे दूसरे से निकालेंगे, और मुंह से मन की बात करते रहेंगे जनता कहीं भी जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि गटर के गैस से चाय बनाई जा सकती है। उनको गटर का गैस दिख जाता है। आपको गैस दिखा है? आप घर में एलपीजी यूज करते हैं ना, तो एलपीजी जो होता है उसमें स्मेल नहीं होता है ओरिजिनली, तो उसमें एक स्मेल मिलाया जाता है ताकि जब लीकेज हो तो लोगों को पता चल जाए कि गैस लीक हो रहा है। प्रधानमंत्री के पास अद्भुत कला है कि गैस भी देख लेते हैं। आंख है कि एक्सरे मशीन है, आप देख लीजिए। ऐसे ही थोड़े उनको अवतार साबित किया गया है। तो बोले कि एक बार हम जा रहे थे तो गैस से जो है हमने देखा कि लोग चाय बना रहे हैं। अब इसको कोई भी कह देगा कि झूठ है। खुद प्रधानमंत्री के बगल में जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो एक आदमी खड़ा होता है एसपी जी का ऐसे करके, तो वो कहता है कितना बड़ा झूठा है यार। क्योंकि वो दिन रात उनके साथ रहता है। अरे अभी तो आए थे रास्ते में, कहां कोई जो है नाली के गैस से चाय बना रहा था, कितना झूठ बोलता है यार। 9,000 करोड़ रुपया लेकर के एक पूंजीपति भाग जाता है, भागते रहता है। दो योजना मशहूर है प्रधानमंत्री की, देश में पकौड़ा योजना और विदेश में भगौड़ा योजना है। ये जो है ये साहब, एक किसी पूंजीपति से अगर उसका एनपीए ये वसूल लें, 56.5 इंच का सीना है ना, खुद ही कहे थे, तो अपना 56 इंच का सीना का इस्तेमाल करें और किसी एक पूंजीपति का कॉलर पकड़ करके कहें कि सारा एनपीए सरकार के खाते में जमा करो, और एक पूंजीपति के एनपीए से इस देश में सदा सदा के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म किया जा सकता है। लेकिन प्रायोरिटी होगी तब ना, प्रायोरिटी जनता कभी थी ही नहीं। इस देश के दलित, किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक, ये इनके एजेंडे में कभी शामिल ही नहीं थे। और इस पर यदि आपको भरोसा नहीं होता है, प्रधानमंत्री का बयान जब वो मुख्यमंत्री थे तब का आप जाकर के सुन लीजिए। पैसा नहीं लगेगा, जियो धन धनाधन। अब क्या वो बनाए अपने प्रचार के लिए, तो हम यूज कर लेते हैं अपने प्रचार के लिए। आप यूट्यूब पे जाके सुनिए, 2002 दंगे के बाद जब पत्रकार ने प्रधानमंत्री से पूछा कि आप रिलीफ कैंप में क्यों नहीं जाते हैं, तो जानते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो बच्चा पैदा करने का खान है, वहां जाकर के क्या करेंगे। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। जिसको आप योगी समझ रहे हैं वो ढोंगी है, कंप्लीट ढोंगी है। और इसको मैं प्रूव कर सकता हूं कि ढोंगी कैसे है। सन्यासी किसको कहते हैं? मैं हिंदू धर्म पे बहस करने के लिए तैयार हूं, बुलाइए किसी भी आरएसएस के प्रकांड पंडित को, मैं उससे बहस करना चाहता हूं। वो करे हमसे हिंदुइज्म की बहस। किस पे बहस करना चाहता है? रामचरितमानस पे, गीता पे, किस पे बहस करना चाहता है? सन्यासी किसको कहते हैं? सन्यासी कहते हैं जो गृहस्थ धर्म को त्याग देता है, उसको सन्यासी कहते हैं ना। वो सांसारिक सुख को त्याग देता है, उसको योगी कहते हैं। भगवान राम अपने सौतेले भाई के लिए, पिता के वचन के लिए, सौतेली मां के लिए अयोध्या का राजपाट छोड़ करके कहां चले गए? जंगल। योगी जी का ओरिजिनल घर जानते हैं कहां है? उत्तराखंड।
उत्तराखंड जो है वहां जंगल है, तो ये जंगल और पहाड़ से कहां आ गए? लखनऊ। इसको समझिए आप कि हर पीला चीज सोना नहीं होता और हर भगवा पहना इंसान संत नहीं होता है। दंगाई है, ये लोग दंगाई हैं, और इनके विचार आप सुनिए। ये जो ढोंगी हैं, इन्होंने एक सेना बनाई। अब देखिए हिंदू धर्म को कितना बदनाम कर रहे हैं, हिंदू युवा वाहिनी। ये हमारे धर्म का अपमान है। हमारे धर्म में तमाम तरह की व्यवस्था अपने आप की गई है। सबसे पहला बात, अरे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये मूल बात है। तो कोई अगर अत्याचारी है, पापी है, उसका सजा भगवान देंगे। तुमको टेंडर कब मिला बे? कब बोले राम जी? बता हमको, कौन सा तुमको फैक्स आया है कि हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, हमारा घर बना दो। तुम राम का घर बनाओगे है? अपना उपाय नहीं, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने गली चौक चौराहों पे बांह फैला के घूमने के लिए तुम हमारे भगवा रंग का बदनाम कर रहे हो, तुम हमारे राम का अपमान कर रहे हो। क्या होता है भगवा रंग? भगवा रंग इस देश में वीरता का प्रतीक है, कायरता का प्रतीक नहीं है। भगवा रंग इस देश में लोगों को बचाने का प्रतीक है, लोगों को मारने का प्रतीक नहीं है। भगवा रंग इस देश में साहूजी महाराज का रंग है, छत्रपति शिवाजी महाराज का रंग है, तुकाराम का, संत तुकाराम का रंग है। और तो और, यहाँ कुछ बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, बौद्ध भिक्षुओं का छीवर का रंग भगवा होता है, जो शांति और अहिंसा की बात करते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? राम के नाम पर अपनी कुर्सी और अपना दुकान चला रहे हो। एक बात हमको बताइए, ये रामचरितमानस की बात करते हैं, मैं रामचरितमानस पढ़ा हूं, रामचरितमानस में एक दर्जन से ज्यादा शब्द उर्दू के हैं। गरीब नवाज शब्द रामचरितमानस में लिखा हुआ है। और उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की भाषा है, वो अरब की भाषा नहीं है। हिंदुस्तान में ही उर्दू बोली जाती है। रामचरितमानस जो है उसमें एक पंक्ति लिखी हुई है तुलसीदास की, हालांकि तुलसीदास ने कुछ गलत बात भी लिखा है, जिसका हम खुले तौर पे जो है समर्थन नहीं करते हैं, विरोध करते हैं उसका। रामचरितमानस में लिखा है, रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण रथ पर है और भगवान श्री राम पैदल चल रहे हैं। अभी बंगाल के हाई कोर्ट से रथ यात्रा निकालने का परमिशन किसको मिला है? राम जी को कि रावण जी को? तो सोचिए ना, अपने तर्क का इस्तेमाल कीजिए ना। और मैं गलत हूं तो मुझे बताइए, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूं कि कुछ बोलने के चलते आपको जेल में डलवा दूंगा। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, मोदी जी एक बार एक राज्य के दौरे पे गए, एक डीएम जो है वो चश्मा लगा करके उनके सामने खड़ा था। भूल गए होंगे आप लोग, अरे रोज नई नई घटना घटती है, कितना याद रखेंगे। चश्मा लगा करके खड़ा था छत्तीसगढ़ में, उस डीएम को सस्पेंड कर दिया गया। बिग बॉस के सामने तुम चश्मा लगा लोगे? अब आप सोच के देखिए, आप नौजवान हैं, आप यूपीएससी करना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र पीसीएस का एग्जाम पास करना चाहते हैं, और ऐसा आदमी जो अभी तक अपना डिग्री नहीं दिखाया है, उसके सामने आप चश्मा लगा ले तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप ऐसा भारत चाहते हैं? क्या हमने ऐसे भारत की कल्पना की थी? क्या लोगों ने 2014 में मोदी जी को इसी बात के लिए वोट दे दिया था? 2014 में मोदी जी को वोट विकास के लिए दिया गया, अच्छे दिन के लिए दिया गया, करप्शन पर कार्रवाई करने के लिए दिया गया, महंगाई को कम करने के लिए दिया गया, किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए दिया गया। कौन सा एक काम है जो सरकार ने किया हो और हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो? आप ही हमको बता दीजिए। क्या इस देश में किसानों की आत्महत्या रुक गई? और क्या किया गया किसानों के लिए? कोई स्टेप भी अगर लिया गया होता तो हम मान लिए होते। जो योजना को ये गला फाड़ फाड़ करके बताते हैं, उज्ज्वला योजना, उसकी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो लोग गैस सिलेंडर लिए हैं उस योजना के तहत, दोबारा उसको भरवा नहीं पा रहे हैं, उसका रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। 400 का सिलेंडर
1100 में मिलने लगेगा तो आप कहां से भरवाएंगे, आप हमको बता दीजिए। तो इस देश के कितने परिवार हैं जो 1100 का गैस सिलेंडर भरवा सकते हैं? और तो और कहा गया कि कनेक्शन फ्री है, इतना धंधेबाज है कि फ्री कनेक्शन नहीं है। जैसे आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, किस्त पे लेते हैं, तो वो फ्री होता है क्या? कि जितना इंस्टॉलमेंट आप भरते हैं उतना कंपाउंड इंटरेस्ट ले करके आपसे पैसा वसूल करता है। यही काम सरकार आपके साथ कर रही है। बताइए, आप सरकार इसलिए चुने थे कि आपके साथ धंधेबाजी करे, आपके साथ जुमलेबाजी करे, आपके साथ धोखेबाजी करे, इसलिए सरकार चुने थे? और ये सब कुछ आंख के सामने हो रहा है और समाज जो है वो कंफ्यूज हो जाए, दो हिस्से में बट जाए, इसीलिए समाज को ध्रुवीकरण किया जा रहा है। एक टीवी पे जाइएगा, ऐसा लगेगा कि देश का जो है स्वर्णिम काल चल रहा है। जी न्यूज पे आप जाइए, डीडी न्यूज पे जाइए, तो ऐसा लगेगा कि देश का स्वर्णिम काल चल रहा है। मोदी जी व्यक्ति नहीं है, अवतार है, और वो अवतार इस देश का भला करने के लिए आए हैं, भारत को हजारों साल की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ जहां आपके किसानों की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है, अल्पसंख्यक दलित आदिवासी गरीब किसान मजदूर की बात हो रही है, तो आप अगर दोनों जगह देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको लगेगा कि सच क्या है। मैं कहता हूं मेरी बात भी आप मत मानिए, आप अपना सच स्वयं तलाशने का प्रयास करिए। आपके पास भी दिमाग है, आपके पास भी मोबाइल है, आपके घर में भी अखबार आता है, आप भी बाजार जाते हैं। अगर आपके मोबाइल पर यह विज्ञापन आ रहा है कि मोदी जी आए और महंगाई कम कर दिए, तो इस बात की जांच आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तुरंत झोला उठाइए, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, थोड़ा पेट भी, आजकल थोड़ा लोग स्लिम रहना चाहते हैं, थोड़ा पेट भी आपका पीछे पिचक जाएगा। और सब्जी लेने जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि महंगाई कम हुई कि नहीं हुई। अच्छे दिन आपके जीवन में आए कि नहीं आए, इसको बताने के लिए आपको न्यूज एंकर की जरूरत है? आपको न्यूज एंकर की जरूरत नहीं है। और इस साजिश को भी आप समझ जाइएगा कि पहले पार्टी पार्टी के वर्करों से चलती थी, आजकल पार्टी न्यूज के एंकरों से चलती है। तुम हमको कुछ और बताने के लिए हो दोस्त, हमको यह बताओ कि इस देश में 2 करोड़ रोजगार पैदा हुए कि नहीं हुए? इस देश में 5.5 लाख इंजीनियर बनते हैं और 1 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा है। जो डेटा अभी तक आया है, अब डाटा भी आना बंद हो गया है, डेटा आना, सरकार ने कहा कि हम ये डेटा ही नहीं दे सकते हैं कि कितने बेरोजगार हमारे पास हैं। सरकार सब कुछ कर सकती है, कितना पखाना बनवाई है ये आपको बता सकती है, लेकिन देश में कितने बेरोजगार हैं ये आपको नहीं बता सकती है। एलईडी का दाम बता सकती है, लेकिन राफेल का दाम आपको नहीं बता सकती है। ये सब बात आप समझेंगे, ये जो मुद्दों की बात है, इन मुद्दों पे आप विचार कीजिए और विमर्श कीजिए, तब आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हिंदुस्तान में इस देश का जवान, किसान और संविधान खतरे में है। और आज यदि लाल बहादुर शास्त्री होते तो वो सिर्फ जय जवान जय किसान नहीं बोलते, वो कहते जय जवान जय किसान जय संविधान, वो ये नारा लगाए होते। और संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान की आधारशिला क्या है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, ये नागपुर की धरती है, महाराष्ट्र में एक से एक महान लोग हुए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए हैं तो अन्ना भाऊ साठे भी हुए हैं। यह जो महान धरती है, इस महान धरती पे महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ है। मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि टीवी व्हाट्सएप तो सब ठीक है, एक बार महात्मा फूले का गुलामगिरी जरूर पढ़िएगा। और सिर्फ जय भीम का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा भी पढ़ना चाहिए, जो कहते हैं बाबा साहब वो करेंगे। हमको लगता है कि आज हम इस दौर में हैं कि हमको शोर शराबे की जरूरत नहीं है, हमको चिल्लाहट की जरूरत नहीं है, शांत होकर के, संगठित होकर के, शिक्षित होकर के हमको एक प्रबुद्ध भारत के निर्माण की जरूरत है। एक तरफ लोग कहते हैं कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम कहते हैं कि उसके बरक्स आप लोगों को कहना चाहिए कि भारत को हम प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। एक तरफ लोग कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का झगड़ा जरूरी है, दूसरी तरफ आप कहिए ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे।
एक तरफ लोग कहते हैं कि शिक्षा, रोजगार और किसान की बात आपने पिछली सरकार के समय में नहीं पूछा था, आपने कहिए कि हम पिछली सरकार में भी पूछा था, इस सरकार में भी पूछ रहे हैं और आने वाली किसी भी सरकार से पूछेंगे, हमारी ये लड़ाई है। और जब आपको कहें वो आपको कि आपको मोदी का विरोध करने के अलावे आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आप उनको एक हिसाब समझाइएगा, उनको कहिएगा कि इस देश में हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान, ये हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। और इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम साथ चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हिंदुस्तान को यदि हम संगठित तौर पे देखना चाहते हैं तो हर किसी को अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। कोई शिक्षक क्लासरूम में अच्छी बात पढ़ाएगा, कोई कलाकार अच्छा पेंट बनाएगा, कोई पत्रकार अच्छा रिपोर्टिंग करेगा, कोई महिला महिलाओं के बीच में जाएगी और महिला के अधिकार उसको समझाएगी, कोई मजदूरों के बीच में काम करेगा, कोई किसानों के बीच में काम करेगा, कोई दलित अत्याचार के लिए आवाज बुलंद करेगा, कोई रोहित बेमुला के लिए लड़ेगा, कोई नजीब अहमद की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। यह काम हम सब लोगों को मिलकर के करना पड़ेगा। और इस काम को मिलकर करने के लिए ये जरूरी है कि आप में और हम में अंतर क्या है, इससे पहले इस बात की पड़ताल की जाए कि आप में और हम में समानता क्या है, एकता क्या है, इस बिंदु को ढूंढा जाए। और इस बिंदु को यदि हम ढूंढने के लिए तैयार हैं तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2014 में तमाम तरीके के खर्चे करने के बावजूद, 3D प्रधानमंत्री के प्रचार करने के बावजूद उनको 31% वोट मिले थे, और 31% के मुकाबले अगर आप 70% को इकट्ठा कर लेंगे, यह लड़ाई हम निश्चित तौर पे जीतेंगे, संविधान भी बचाएंगे, देश भी बचाएंगे। और यह संकल्प आप लोगों को लेना पड़ेगा और एक दबाव आपको इन तमाम पार्टियों पे बनानी पड़ेगी कि अगर आप संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, अगर आप देश की रक्षा करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के सवाल को पीछे रखिए, कौन बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री, ये कौन बनेगा करोड़पति का खेला नहीं चल रहा है, इस सवाल को आप पीछे रखिए और संविधान की रक्षा के लिए, सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, समानता और न्याय को स्थापित करने के लिए, भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे देश को ले जाने के लिए इकट्ठा होइए, ये प्रेशर हम तमाम लोगों को बनाना पड़ेगा। और एक बात को याद रखिएगा कि जब जनता इकट्ठा होती है तो पूंजी की चाहे ताकत आप जितना भी झोंक दीजिए, आप हमारी इस लड़ाई को हमसे छीन नहीं सकते हैं, हमको हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जिस रास्ते पे चले हैं वो न्याय का रास्ता है, सत्य का रास्ता है, आपने जिस रास्ते को अपनाया है वो झूठ का रास्ता है, बेईमानी का रास्ता है। इसीलिए नागपुर की इस धरती से हमको आह्वान करना पड़ेगा कि नागपुर RSS की संघ भूमि नहीं है, नागपुर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि है। और यहां हम इस संकल्प लेते हैं, हम ये संकल्प लेते हैं कि आपको सावरकर का भारत बनाना है, हमको अंबेडकर का भारत बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, जय 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 भीम। कन्हैया जी नागपुर में आए हैं और आजादी का गाना गाने बिना वो नहीं जा सकते। ठीक 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 ठीक। तो आजाद देश में आजादी को बचाए रखने के लिए आजादी की बात करनी जरूरी है कि नहीं है? तो आपको जिस जिस चीज से आजादी चाहिए, आप अपने साथ अपनी आजादी की आवाज को बुलंद कीजिएगा। अरे हम क्या चाहते हैं, बोला।
धन्यवाद।